ऑल फ्रेंड्स, ये हमारा नींबू का पौधा है। ये बारहमासी नींबू है, ग्राफ्टेड है। इसको पौधे को हमारे को 2 साल हो गए करीब लगाए हुए, और इसको हमने 2 साल पहले लगाया था। जिस समय इसको लगाया था उस समय इसमें नींबू आ रहे थे, लेकिन उस समय हमने इसके नींबू नहीं लिए थे कि पौधे की ग्रोथ अच्छे से हो जाए। ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी फ्रूटिंग है, ये देखिए और पत्ते पत्ते में फ्रूटिंग है। नींबू भी काफ़ी आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे नींबू आने वाले हैं। ये देखिए पूरे के अंदर फ्रूटिंग है बहुत अच्छी। इसके लिए हमने इसमें देसी बकरी की मींगनी का खाद डाला था पहले, उसको काफ़ी टाइम हो गया है, करीब 2 महीने हो गए हैं। आज हम वापस से इसमें ये हमारी फ्रूटिंग और अच्छी हो और हमारी फ्लावर्स गिरे ना, अच्छे से अच्छी इसमें ग्रोथ हो, इसलिए हम इसके लिए कुछ करेंगे इसमें। ये देखिए हमारे यहाँ ये काफ़ी अवांछित पौधे उग गए हैं, इनको हम हटाएंगे और इसकी खुदाई करके इसके बाद में इसमें थोड़ा सा मींगनी का खाद देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने खुरपी ले ली है, इससे हम हमारे भाई अवांछित पौधों को उठाना है। ये हमने इसकी डंडियाँ ऊपर की तरफ रहे, नीचे ज़्यादा गिरे नहीं, टूटे नहीं, इसलिए हमने ये डंडियाँ लगा रखी है। आप भी ऐसे लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें जब नींबू आते हैं तो इसका वजन बढ़ने से ये टहनियाँ इसकी टूटने लगती हैं। तो ये सभी अवांछित पौधे हम हटा देंगे। एक बार के लिए जो ये डंडियाँ लगा रखी है इनको भी हम आराम से उठाएंगे, फ्लावर्स गिरे ना। ये हमारे काफ़ी फ्लावर्स झड़ रहे हैं, आराम से करें। ज़्यादा नहीं उठाएंगे ताकि हमारे फ्लावर्स गिरे ना। इसको इसी हिसाब से खोदेंगे चारों तरफ से इसकी खुदाई करेंगे अच्छे से। बाकी इसमें अभी इस समय फ्लावरिंग के टाइम में आपको पानी कम ही देना है और हल्का हल्का, ये देखिए दोस्तों हमने थोड़ी सी तो मींगनी ली है बकरी की ले सकते हो, भेड़ की ले सकते हो, और ये थोड़ा सा गाय का गला हुआ खाद है। तो ये वाला खाद तो तुरंत काम करेगा, बाकी मींगनी धीरे धीरे पौधे को जैसे जैसे ज़रूरत होगी उस हिसाब से गलती रहेगी, और धीरे धीरे ये अपने विटामिन न्यूट्रिएंट्स ये इसमें से उठाता रहेगा। तो आइए इनको मिक्स कर लेते हैं दोनों को, आप डाल के मिक्स कर सकते हो। मिक्स करके इसकी जड़ों के आसपास डाल देंगे और इसको वापस से खुदाई कर देंगे ताकि ये नीचे तक चला जाए। ये देखिए दोस्तों हमारा अच्छे से खाद मिल गया है। अब ये देखिए आप, ये मिट्टी गीली है तो अभी इसको हम पानी नहीं देंगे, खुदाई करके छोड़ देंगे 2 दिन, फिर उसके बाद में इसको पानी देंगे। और वैसे भी कहते हैं कि जब फ्लावरिंग हो तो उस समय नींबू को थोड़ा कम ही पानी देना चाहिए। देखिए दोस्तों दूसरी तरफ से, इधर से भी हम ऐसे ये जो पत्ते गिरे हुए हैं इसके, इनको उठाए ना, इसी में डाल दे, इससे भी बहुत अच्छा खाद तैयार होता है। हम हमारा पौधों के लिए खाद ही तैयार करते हैं। देखिए हमारे एक जो गाय है इससे गोबर होता है, इसका खाद बनता है।
और ये बकरियां है, ये जो मींगनी करती है यही हम हमारे पौधों में देते हैं। ये हमारी इधर गेहूँ की खेती है, इसमें सब हम देसी खाद देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास ही बेल आइकन के घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आने वाले हमारे अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।